गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाते समय गर्भवती माँ मान को हॉस्पिटल नवा समय देता पूर्व कौन कौन कर उससे पहले क्या क्या करना है ये जरूरी है। देखिए आप किसी को भी हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं अपन कौन सी व्यक्ति को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराते पूर्व आपण ग्राम जो शिवालय अच्छी से शिवालय से ट्रीटमेंट करने कि डेलीवरी पाई नौ जिसको किसी को भी आप ले जाएंगे हॉस्पिटल में चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो नर्सिंग होम हो कुछ भी हो या गवर्नमेंट तो आपके गांव में जो शिवालय है वह शिवालय में उसके गोत्र नाम से लींबू सरसों तेल लेमनो सरसों तेल पीली सरसों गोटे एक छोटा तांबा नाग नारियल श्रीफल वगैरह दे के उसको ले जाइए एक छोटा सा तांबा नाग और सरसों तेल जितना ज्यादा दे सको उतना अच्छा और पीली सरसों सरसों तेल जितने अधिक दे पारे आउ धड़ा सरसों उसका कारण है हॉस्पिटल में हॉस्पिटल रे जिते बेले आम जाऊ कौन सी पेशेंट को नहीं करी तो शिवालय रे जदि आम किछि गुट दे देबा ता ना गोत्र रे हेले ताकू शिव रक्षा करबे आपण आपण कर गां शहर टाउन रो शिवालय सहित डायरेक्ट जॉइंट होंतु आउ सही रक्षा करबे आप अपने गांव शहर के डायरेक्ट शिव मंदिर में शिवालय को बोल के जाइए कि बाबा ऐसा ऐसा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं क्योंकि आप जिस किसी क्लिनिक में जाते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो वह हॉस्पिटल क्लिनिक में डॉक्टर खाना में पहले से हजारों व्यक्तियों का मौत हुआ है और उनका आत्मा उसी क्षेत्र में ही भटकता है तो जिस किसी भी को भी लेके जाएंगे उनके मस्तक पे दुबा दल अच्छा से लेपन कर दीजिएगा और नाभि में हवन विभूति और रुद्राक्ष माला जरूर उसको पहना के हॉस्पिटल ले जाए और रुद्राक्ष माला से पेशेंट को पहने कर नियंतु किंतु कौन सी गोटे शिव मंदिर को दायित्व दियंतु जे आमे आम पेशेंट को हॉस्पिटल को नौचु तापर नियंतु ताको रुद्राक्ष माला निहाती धारण करेंगे और मथारे तार दुब घास लेपन कर आप डायरेक्ट शिवलिंग सहित कनेक्ट हूँ हॉस्पिटल को आपण जाउछन्ते सेठी पूर्वरु अनेक व्यक्ति मृत्यु बरण करछन्ते अकाल मृत्यु ताकर आत्मा सेठी रहउछि तो आपणकर पेशेंट आपणकर रिलेटिव रो सुरक्षा पाई ही मु कहउछि जे डायरेक्ट जो अछि आपण शिवालय सहित जॉइंट रहकर से पेशेंट रो रक्षाटा करा रुद्राक्ष माला निहाति से भी धारण करिवो ता सहित जते लोग जाइथिबे से माने भी धारण करिवे आप भी रुद्राक्ष जितने भी व्यक्ति उनके साथ जाएंगे उन वह भी धारण करके जाना रुद्राक्ष माला जरूरी है पंचमुखी रुद्राक्ष माला और डिलीवरी केस में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है डिलीवरी केस में तो बहुत अधिक कॉशस हॉस्पिटल मान को जेतु से हॉस्पिटल बहुत पुराना लक्ष लक्ष लोक पूर्व मरी सारी आउ जो मंदिर नड़िया को लेकर पूरा श्रीकरपुर लेपन करदेवे श्रीकरपुर मोटा धरिक पूरा लेपन कर देवे से रोगी नारे और जो जिसको आप ले जाएंगे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए उसके नाम से अपने गांव के शिवालय में ऊंचा कर्पूर देखिएगा श्री कर्पूर आता सुगंधित इतना मूठा अच्छा से ये करके लेपन कर दीजिएगा बहुत ही अच्छे से लेपन कर दीजिएगा और फिर ले जाइएगा और देखिएगा उसका जो ट्रीटमेंट 100% ओके होगा। आप अपने शहर से विदेश जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो ये भी जरूर कीजिएगा आपण आपण कर राज्य रु अन्य देशों को जाउछंती बोले भी ये जिनिसटा करिवे हेले शिवालय आपण कर रक्षाटा करिवे लेंबू रे सरसों तेल देकरी आमे शिवालय रे देले शिवंकर दायित्व हो जाउछि से पेशेंट रक्षा से व्यक्ति रक्षा करिवे अपन शिवलिंग में हम लेमन में सरसों तेल गहम गहूँ गहम गेहूँ कनक सोना ये सब सामग्री दे के फिर कहीं जाइए। आप अपने घर से मान लीजिए 200 किलोमीटर भी कहीं जाते हैं तो अपने गांव के शिवालय को जिम्मेदारी सौंप के जाइए कि बाबा हम जा रहे हैं हमें अच्छे से ले जाना अच्छे से वापस लाना और हर व्यक्ति रुद्राक्ष माला जरूर धारण कीजिए। रुद्राक्ष माला धारण करने से क्या होता है हमने फेसबुक वगैरह में छोड़ा है आपके जो घातक ग्रह दोष है निवारण हो जाएंगे अकाल मृत्यु दोष टल जाता है। और रुद्राक्ष का और एक रहस्य रुद्राक्ष रहस्य अच्छी
मान लीजिए 1000 वर्ष पूर्व आपके कोई पूर्वज शिव जी का भक्त रहा हो या दुर्गा देवी का भक्त रहा हो, उसने पूजन किया कि लाखों वर्षों तक मेरे वंश को शुभ आशीर्वाद प्रदान करना है, तो जैसे आप रुद्रा के धारण कर लेंगे 6 महीना में वह जो आपके पूर्वजों ने कहा था लाखों वर्षों के लिए वह आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, अपन को पूर्व पुरुष के लखे माने हजार हजार वर्ष पूर्व जो शिवंकर भक्त थे कि दुर्गा कौन से देवी भक्त से भी वरदान पाई जे मोर वंश को लक्ष लक्ष वर्ष पर्यटन आशीर्वाद देवे, आपन रुद्रा का धारण कले आपन से आशीर्वाद पाई। जैसे मेरा नाम है सुनील मित्तल दास, महाविद्या का तंत्र शास्त्र हूँ, कालाहांडी जिला केसिंग एरोड्रोम फील्ड के साइट में सन 1955 मसीह कालाहांडी जिला उत्केला एरोड्रोम फील्ड पाखे मोर अजा मेहरचंद शिव मंदिर को अजस्र जमी दान दे 8-9 एकर कते हे प्लॉट नंबर 502 हमारे पूर्वज दे दिए थे दादाजी ने, तो दादाजी को वहां से वरदान मिला हुआ है और जमीन दान देते हुए पूरा एरोड्रोम फील्ड को लग के प्लॉट नंबर 502 आज के दिन में वो 2.5-3 करोड़ से भी ज्यादा का होगा, लेकिन हमने दान दिया था दादाजी ने, उसमें हमारा और अधिकार नहीं है, लेकिन दादाजी को वरदान मिला था कि तेरे वंशज रुद्राक्ष माला धारण करेंगे शिव जी से वरदान प्राप्त होगा। तो हमने अपने रिश्तेदारों को सबको कहा है रुद्राक्ष माला हो, अंगूठी हो, चाहे ब्रेसलेट हो, अब धारण कीजिए तो सबको वह वरदान लाखों वर्षों तक मिलेगा, यह सत्यता रहता है। अभी जैसे मैं यहाँ पूजन कर रहा हूँ, मेरा नाम सुनील मित्तल, मैं अपने 4 भाइयों परिवार और भारत देश के अनेक परिवार के लिए अनुष्ठान करवाता हूँ। हर अनुष्ठान में बोलता हूँ लाखों वर्षों तक इन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा, तो लाखों वर्षों तक जो भी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आज का क्या हुआ पूजन लाखों वर्षों तक रनिंग होगा, ये भी रहस्य है। तो आप महिला बेटी माँ बहन सब रुद्राक्ष धारण कीजिए, महिला बेटियों को तो बहुत जरूरी है। यह वीडियो को अपने अपने रिश्तेदार तक भेजिए। आज महा सरस्वती देवी जो कि राहु महाग्रह को कंट्रोल करती हैं, हमारे विशुद्ध चक्र कंठ चक्र के शासन देवी हैं, और जितने भी भजन गायक सिंगर वगैरह जो आप हैं, आप जो है नर्मदेश्वर महाज्योतिलिंग घर में वास करवाइए और दुर्गा सप्तशती से पंचम अध्याय का पाठ कीजिए। पंचम अध्याय कैसे सिद्ध होता है ये मैं बता दूंगा। आप कौन भी जो सिंगर भजन गायक अच्छा दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय उच्चारण करेंगे, लेकिन प्रथम बासगृह नर्मदेश्वर महाज्योतिलिंग रखला पर 33 कोटि देवी देवताओं का मंत्र कंट्रोलर है शिवालय शिव, जो अशोक सुंदर देवी है जलाधारी में सभी देवी देवताओं को जितने भी मंत्र हैं उनको कंट्रोल करते हैं, शिवलिंग से ही कंट्रोल होता है। आप लोग डायरेक्ट शिवलिंग से जुड़िए और देखिए चमत्कार क्या होता है। आपके बच्चे पढ़ाई में तेज करना है तो दुर्गा सप्तशती का जो पंचम अध्याय है सरस्वती प्रत्यर्थ वह आप उच्चारण कीजिए, लेकिन शिवलिंग को साथ में लेके। कोई भी आपको मंत्र सिद्ध करना तो शिवलिंग में, बच्चे पढ़ाई में तेज हो जाएंगे। आपके बच्चों के लिए आप लाखों रुपया हर वर्ष खर्च करते हैं, मेरे से जुड़िए, या आपको खर्चा करना नहीं है ज्यादा, आप अपने क्षेत्र में शिवलिंग को कर्पूर से सुगंधित कर दीजिए। और कर्पूर जो आता ना ऊंचे ऊंचे कर्पूर, कर्पूर से सुगंधित कर दीजिए। जब भी आप जाए शिवलिंग, पैसा है एक मुट्ठी कर्पूर ले जाइए और चूरा कर दीजिए, कर्पूर से पहले सुगंधित कीजिए, क्योंकि सरस्वती या आलू और कर्पूर में वास करती है, कर्पूर से बिल्कुल सुगंधित कर दीजिए। आपके बच्चों को पढ़ाई में तेजस्वी करना है, पंचम अध्याय अगर सिद्ध करवाना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। अपन को पुओ को पाठ पढ़ा बहुत तेज करेबार अच्छे किंबा आपन तेज हमारे दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय मु प्रयोगटा कर देवी, मैं दुर्गा सप्तशती का पंचम अध्याय प्रयोग कर दूंगा, लेकिन वो सिस्टम के साथ करूंगा। आप भी तो अभी सालाना 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया तो खर्च करते हैं बेटा या बेटियों को, लेकिन मैं जो प्रयोग करूंगा ऑल फैमिली मेंबर्स माता पिता को भी वो काम देगा और राहु ग्रह जिसको लगा उनको भी काम देगा। काल सर्प दोष के लिए तो जरूरी है ही है पंचम अध्याय, लेकिन पहले नर्मदेश्वर महाज्योतिलिंग घर में बिठाइए, उसके बाद ही मैं प्रयोग करूंगा तो करेक्ट काम करेगा। और बिना नर्मदेश्वर महाज्योतिलिंग बिठाए अगर मैं करूं तो बहुत पैसा ज्यादा खर्चा होगा, बस उतना ही फर्क है। पंचम अध्याय में खेल होता है, काल सर्प दोष वाले जितने हैं पंचम अध्याय आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, आलसपन काम नहीं देगा बाबू। और आप किसी भी मंदिर में जाइए XYZ रुद्रा के कुछ भी धारण कीजिए,
और जाइए, यह वीडियो को जन जन तक जरूर भेजें। और हॉस्पिटल जाते समय बिल्कुल सतर्क सावधानी, विवाह जैसे हो रहा है, विवाह से पहले हमने तो कहा 12 अपने क्षेत्र के शिवालय को निमंत्रण दीजिए, 12 कम से कम। और अब धन के लिए परेशान है, दुख तकलीफ है, नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग आपके घर में बैठा है हम जानते हैं, फिर भी हम आपको कहेंगे और मजबूती कीजिए अपने किस्मत को। अपने क्षेत्र के 12 शिवालय में, हर एक शिवालय में एक एक, आपको कुछ करना नहीं है, 12 जो है नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग मैं भिजवा दूंगा बहुत कम पैसा में, ऐसे हाथ में लेना है और यहाँ जलाधारी में छोड़ देना है। अशोक सुन देखो, 12 का अर्थ क्या है, आज एक शिव मंदिर में दिए, फिर कुछ दिन के बाद और एक शिव मंदिर में, कुछ दिन के बाद फिर कुछ एक शिव मंदिर, ऐसा 12 दीजिए और किस्मत को मजबूत कीजिए। कई व्यक्ति मुझे चैटिंग में बोलते हैं कि मित्तल जी आप तो बोले एक शिवलिंग बिठाने से सब कुछ सही होगा, होगा सही सब कुछ, एक शिवलिंग घर में तो और मजबूत हो जाए, 12 बिठाने से क्या दिक्कत है। 12 नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या, 12 शिवलिंग का अर्थ क्या है कि 12 शिवलिंग में आपने जो एक एक शिवलिंग दिया 12 अलग अलग जगह पे, तो 12 ज्योतिर्लिंग में कनेक्ट हो जाता है आपका लाइफ, लाखों वर्षों तक आप ही को ही वरदान मिलेगा। 12 क्या है, एक दिन का खर्चा है 12 शिवलिंग। मैं भुवनेश्वर राजधानी में रहता हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ, और अभी देखेगा मैं अपने मेरे खुद के लिए अभी आ रहा है, मैं खुद के लिए 12 जब मंदिरों में जाऊंगा, हर रोज वीडियो भेज दूंगा, गिनती कर लीजिएगा। तो मैं किराए के मकान में रहता हूँ, इतना मेरा कैपेसिटी है, और आपका तो खुद का मकान दुकान घर द्वार संसार सारा क्यों नहीं है, ये कोई दान नहीं है नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग, ये आपके किस्मत को चमका देगा। विवाह से पहले बेटा का विवाह हो चाहे बेटी, हम तो बोलते जन्म जब होते हैं बेटा बेटी तभी 12 आप ज्योतिर्लिंग दे दीजिए, महाज्योतिर्लिंग नर्मदेश्वर का अपने क्षेत्र में दीजिए आप, और देखिए क्या चमत्कार होता है, बच्चे तेजस्वी हो जाएंगे। मैं खुद अपने लिए, मैं देखिए वीडियो देखिए दिन रात में पूजन कर रहा हूं, कुछ परिवार के लिए भागा दौड़ी, फिर भी मैं अपने लिए भी 12 शिवालय में 12 ज्योतिर्लिंग जल्द से जल्द दूंगा, नर्मदेश्वर से मैं मंगवा चुका हूं। पैसा तो बाबू ये आनी जानी है, ज्यादा पैसा के लिए चिंता मत कीजिए, शिव जी को आप कर्जदार बनाइए, 12 जो आप नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग 12 शिव मंदिर में देंगे, शिव जी कर्जदार बन जाएंगे जन्म जन्मांतर तक के लिए, कर्जदार बनाइए शिव जी को। कर्पूर से, कर्पूर गोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंत मार्जार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि, कर्पूर गोरम है ये, कर्पूर से लेपन कर दीजिए। आपके घर के नजदीक गांव में जो मंदिर आप रोज जाते हैं, 1 किलो कर्पूर ऊंचा से ऊंचा, उसका नाम भी मैं भूल गया, ऊंचा कर्पूर, और कर्पूर में पीली सरसों मिला दीजिए और दे दीजिए वहां, संकल्प करवा के अपने परिवार का नाम गोत्र से, और वहां के जो पुजारी जी होंगे उनको बोलिए कि रोज कर्पूर लेपन कीजिए, आप रोज जाते हैं तो आप लेपन कीजिए और देखिए क्या चमत्कार होता है। कर्पूर सबसे ज्यादा चाहिए शिव मंदिर में, अब कर्पूर तो लेके जाते नहीं हो, क्या लेके जा रहे हो, हम तो पंचामृत लेके जा रहे, रोज पंचामृत का ही हम सुनते हैं वर्ल्ड के अंदर। कर्पूर दीजिए, चंदन दीजिए, भस्म विभूति जितना दीजिए शिव जी को उतना अच्छा है, भस्म विभूति चंदन गुलाब का पुष्प ये सब लगता है, पहले खुशबूदार कीजिए। आप देखिए अपने क्षेत्र का जो शिवालय में आप जब प्रवेश करते हैं तो दुर्गंध आता है या नहीं, शिवालय में बहुत ही भयंकर दुर्गंध आता है आपके क्षेत्र, वर्ल्ड का कथा कहता हूं, तो उस दुर्गंध को पहले सुगंधित कीजिए और ले जाते हो दूध ऐसे, ले बाबा शिव, ले बाबा नियो बाबा गाय गुरु सुनियो नियो नियो गाय खीरो के पहुंचे थे डाली बाबा भाई, खाली गाय खीरो दबाओ किसी देवो नहीं ना कौन, आप पर कहो जो हमको तो शिव किसी दे लेना है, संति हुए नहीं, अपन कर्पूर दियंतु, सरसों तेल दियंतु, सरसों दियंतु कोला राशि जब धान सब मिसे कर दियंतु, गहम अधिक अधिक दियंतु, प्रथमे निज जो शिव मंदिर को जाऊँ ताको सुगंध करंतु, कर्पूर गौरम करुणा बतार संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंत हरदार विंदे भवम भवानी सहितम नमः, स्पष्ट होते स्पष्ट बोल रहा वेद शास्त्र का कर्पूर दीजिए बोल के। पैसा आनी जानी है, क्या पैसा, आज मैं भुवनेश्वर राजधानी में रहता हूँ, के सिंगा से जब आया मैं भुवनेश्वर मेरे पास 1,000 रुपया था और 1 साल हो गया खन्ने खा रहता हूँ, किसके आशीर्वाद किसके शक्ति से, यही रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय, रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय, क्या आशीर्वाद,
तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बुढ़ापा के लिए बचा कर मत रखिए ज्यादा, पहले अभी का जो है आनंद मोज लीजिए। बुढ़ापा तब आएगा आएगा, अभी से बुढ़ापा अभी तो जवानी चल रहा है हम और आप लोगों का। मेरा अभी क्या उम्र हुआ है, मेरा ज्यादा उम्र नहीं हुआ, ओनली 58 मोरो वॉयस अधिक ही नहीं, मात्र 50 वर्ष है जी। क्या हुआ है अभी मेरा उम्र 50 साल हुआ है, 50 वर्ष है, कौन अधिकता है जी, मत कि अधिक है नहीं। तो पैसा अधिक जमा करवा उद्देश्य रखो नहीं, निज लाइफ को सेव करो प्रथम, पैसा शिवंकर सेवा करो, धन मारी आसीब। आप शिव जी का अपने क्षेत्र का एक शिव मंदिर का आप सेवा कीजिए और गारंटी बोलता हूँ 1-2 साल के अंदर मांगिए शिव बाबा को, धन कुबेर का वरदान हमें दीजिए, गारंटी। पहले खुशबूदार तो कीजिए शिवलिंग को, 30 वर्षों से लाइन में हूँ, 30 वर्षों में लाइन में हूँ, वीडियो को निज रिलेटिव को पठा दू। ओम रुद्रपाय काशी ओम भोर भुवा स्वः सवितुर वर्णम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आत्मा कहाँ से स्वर्ग जाएगा, जय जलाधारी अशोक सुंदर देवी, आत्मा कोटू आत्मा स्वर्ग द्वार है, ताकू किसी देवी ने और आत्मा कौन मांगना रे कोले स्वर्ग ने कौन, आत्मा यही अशोक सुंदर देवी इनको कुछ देंगे नहीं, जीवन भर खुशबूदार नहीं करेंगे, ऐसा ही स्वर्ग जाएगा कि किसी का आत्मा नहीं जाता। हम तो तंत्र विद्या करते हैं, रात को हम देखते हैं कि आत्मा सब भटक रहे हैं और इसी कारण हम हॉस्पिटल के लिए बार बार बोल रहे हैं, आत्मा के जाओ नहीं स्वर्ग सब पागल है बुलूंत माटी से हॉस्पिटल प्रवचन आज मुझे है। तो सतर्क रहंतु, सावधान रहंतु, सदा सर्वदा मंत्र जप करंतु, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम भर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम सरस्वती देवी नमः, ओम भर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। आम जीवन समस्त दोष दांत में ही था, ये मंत्र जप करे दोष प्रतिकार हो, हमारे जीवन का सभी दोष दांत में रहता है, ये मंत्र जाप करने से 1 साल में फन्ने का दोष निकल जाएगा।